अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई ब्लॉग। आज हम एक ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहे थे तो यहाँ पे हूँ। मेरी फ़्लाइट थी और ये फ़्लाइट के अंदर जा रहे थे। वीडियो समझ नहीं आती समटाइम बनाऊँ कैसे, क्योंकि ब्लॉग्स की आदत वगैरह नहीं है। और यहाँ पे टिकट थी, मैं अपनी सीट पे बुकिंग हो गई थी। सीट मेरी वो सी मेरे जीजू सेलेक्ट कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर मैं आपसे कुछ कुछ बातें भी कर रही हूँ। एक अच्छे पार्टनर मिल गए थे मेरे यहाँ पे। यहाँ पे प्लेन हो चुका है स्टार्ट। आई होप सो कि मैंने वो सीन साथ ही कर दिया हूँ जब प्लेन हवा से ज़मीन से हवा में और हवा से ज़मीन में कैद हो रहे होते हैं। वो लम्हात बहुत प्यारे होते हैं। और रात का सफ़र तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। रात की तन्हाई, खामोशी और आसमान को देखना। वो पता नहीं क्यों जब भी हम प्लेन में बैठते हैं ना तो मौसी में दिल में ख्याल आ रहे होते हैं कि लम्हिया से बातें करने हैं। मेरा दिल से ऑटोमेटिकली बातें निकलना शुरू हो जाती हैं। मुझे याद है मैं जब हरम में पहली बार कदम रखा तो वहाँ पे मेरे जहन में बातें चल रही थी कि मैं ना ये मतलब वहाँ पे मेरे दिल में यही था कि मैं अपने लिए क्या मांगूँ। मेरे दिल में था कि लम्हिया जो ये लोग यहाँ पे हैं ना उनकी ज़रूर सुन लीजिएगा। मैं तो यहाँ अनएक्सपेक्टेड आ गई हूँ, जो बुला लिया गया है, लेकिन जो लोग यहाँ पे हैं ना मुझे तो सारे के सारे अपने से ज़्यादा ही हकदार लगते थे। कि लम्हिया सब मुझसे ज़्यादा हकदार हैं तो आप इन सब की दुआ ज़रूर सुन लीजिएगा। पता नहीं किसकी सास, किसकी सुमीद और कौन सी कितने जतन की ख्वाहिशात हैं। मैं तो इनके आगे कुछ भी नहीं हूँ और मुझे किसी 1% के आगे भी अपना आप नहीं लगा। तो इसी तरह जब मैं आसमान में भी होती हूँ तो मुझे तन्हाई है शायद, तब मुझे बहुत याद आती है। मेरे दिल से बातें निकलना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए कितने प्यारे प्यारे सीन्स थे और मैं दिली दिल में बातें करी। मैं दिल कर रहा था मैं वहाँ पे रिकॉर्ड करूँ बट मुझे अभी क्योंकि व्लॉग्स में अभी इतनी ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है तो मैंने बात नहीं की। तो साथ ही साथ ये लम्हा तो कैद कर ही रहे थे लेकिन कुछ बातें लम्हे से भी कर रही होती हूँ। कुछ अल्लाह ताला से कुछ सो तरह की बातें हर किसी के सहन में चल रही होती हैं। एंड इनको कैद कर रही थी, लम्हा से बातें कर रही थी, गुफ्तगू नशीद, अपने प्लान्स लम्हा से शेयरिंग करना बहुत आसान लगता है। ऐसा लगता है कुछ लम्हों के लिए आपको दुनिया से कट ऑफ होता है ना, ये कट ऑफ वाला मामला मुझे लगता है स्पेशली प्लेन की फ्लाइट्स अभी तक जो मुझे एहसास हुआ है, जिसमें ना आपको आर की फिक्र होती है ना पार की। आप एक ही जगह से मुंसलिक हो, तो उसी एक जगह से मुंसलिक हो, आपका दुनिया से नाता जिस टाइम कट ऑफ होता है आप उसी टाइम अल्लाह के करीब हो जाते हैं। वहाँ पे वैसे भी हॉस्पिटल हो गया, आपका मुसाफिर खाना हो गया, आपका सफ़र हो गया, वो किसी भी किस्म का हो, उसमें वैसे ही अल्लाह बहुत याद आता है। ऐसा वो तो नहीं मुझे लगता, आपको लगता है, आप ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। आप लोगों की फीलिंग्स क्या होती हैं जिस टाइम आप तन्हाई में होते हैं, सफ़र में होते हैं, अंधेरे में होते हैं, कोई भी ऐसी ख्वाहिशा जो बंदे के ना अंदर ही अंदर उसको काटती हैं, ख्वाहिश मांगती हैं। लो जी हमने सफ़र तय भी कर लिया है यहाँ पर और मेरा ऑलमोस्ट सफ़र हो चुका है। यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ कराची लैंड। बातों की बातों में मुझे पता ही नहीं चला मेरा सफ़र कब अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है। ये देखिए हवा से कैसे ज़मीन के अंदर हम लोग लैंड कर रहे हैं। और हवा से रात में वैसे भी बहुत मज़ा आता है। मेरी सिस्टर जो मुझे पिक करने आई थी, सिस्टर साजी जू एंड और हम लोग कराची पहुँच चुके हैं। वो अपनी टिकटॉक्स बनाने में मसरूफ़ है एंड मैं यहाँ पर अपनी बातों करने में मसरूफ़ हूँ। सो आप लोगों ने मेरा साथ ज़रूर देना, अपना ख्याल रखिए। अगर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है, बाय बाय।